वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डस्ट फाइनेंस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहे हैं शायद आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। मैं भी काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर अभी देख चुका हूँ कि ऐसी एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आज के एनालिसिस को चालू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यह आप तक सिर्फ नॉलेज पहुँचाने के लिए ही बनाया गया वीडियो है। मैं एक सीरीज म्यूचुअल फंड्स की लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी म्यूचुअल फंड और SIP को लेकर बहुत लोग कम जागरूक हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है उससे भी आपको सुरक्षा मिलेगी, और मैं इस सीरीज में ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड आपके सामने लाऊंगा जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, मार्केट को बीट किया है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस फंड में SIP चालू करनी है और शांति से अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना है। अभी SIP कौन से फंड में करें, क्यों करें, इसका एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपके सामने दूंगा। के आगे मेरी इच्छा है कि मैं मल्टी बैगर्स शेयर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन पे मैं रिसर्च करता हूँ, आपके सामने लेके आऊँ। एक एक करके हम लाइव उनका एनालिसिस करेंगे, क्यों आप उनमें इन्वेस्ट करें, क्यों नहीं करें। ये मेरा सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपना पैसा अपने हिसाब से अपनी स्टडी करके ही लगा सकते हैं। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने मार्केट को पूरी तरह से बीट किया है। सभी वीडियोस आपको ऐसा बताएंगे इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इस म्यूचुअल फंड ने बीट किया है, मल्टी कैप में ये है, मिड कैप में ऐसा है, लार्ज कैप में ऐसा है, लेकिन मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस जब उन म्यूचुअल फंड की दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, सही में इस वीडियो को बीट करने वाला वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। अब यह एनालिसिस मेरा व्यक्तिगत है, आप अपना पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, और मैंने एनालिसिस को पहले क्रॉस वेरीफाई गूगल पर यूट्यूब पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शेयर बाजार में लगा हुआ पैसा, म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा जोखिमों के अधीन होता है, आप जानते हैं। अगर आपको अभी भी SIP में या किसी शेयर में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हमें समय मिलते ही हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलिए सीधा वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने वीडियो आपके लिए तैयार रखा हुआ है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड मैं आपके लिए ढूंढ कर लेके आया हूँ। ये लाइव वीडियो चल रहा है, नेट मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है। अभी देखिए आप, DSP हेल्थ केयर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देखिए रेगुलर प्लान है, आप डायरेक्ट प्लान भी कर सकते हैं, इसमें आपका एक कमीशन बच जाता है, तो मैं डायरेक्ट पे भी टिक कर देता हूँ। अभी देखिए आप नेट असेट वैल्यू इसकी 18 चल रही है, इससे हमको लेना देना नहीं है। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए, रिस्कोमीटर इसका वेरी हाई है, रेड जोन में है, यानी इसमें पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, लेकिन क्योंकि इनको फंड मैनेजर अच्छे से मैनेज करते हैं तो पैसा डूबना होता तो डूब ही जाता। अभी आप परफॉर्मेंस देख के समझ जाएंगे। फंड साइज देखिए दोस्तों, ये फंड 956 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये 1 ईयर पे मैंने टिक किया हुआ है। अभी आप दिस स्कीम रिटर्न देखिए, 74.88% रिटर्न। बताइए आपको कौन सी FD, कौन सी RD या कौन से आपने जो शेयर फाइंड किए हैं मार्केट में, उन्होंने इतना रिटर्न दिया है 1 ईयर में। एक साल में आपका पैसा 74.88% बढ़ा है, और जबकि इसके बेंचमार्क का रिटर्न है 59% ओनली। लगभग देखिए आप 15% से इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है 15% से, और कैटेगरीज जो म्यूचुअल फंड हैं इस कैटेगरी के, उनकी एवरेज है मात्र 20%, और ये देखिए 74%। दोस्तों ये चार्ट है, इसको हम समझते नहीं हैं। अभी मैं आपको यहाँ देखिए एक मोटी मोटी आपको एक कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था फॉर 1 ईयर, यानी 11 दिसंबर 2019 को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको लगभग एक साल हो गए हैं, तो आज उसकी वैल्यू थी 17,514, 10,000 की। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 75% रिटर्न। ये सब मैं मनी कंट्रोल की साइट पे आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, आप जाके खुद भी इस फंड को सर्च कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देख लीजिए आप इसके पोर्टफोलियो पे जाते हैं, ये देखिए इसने इक्विटी होल्डिंग 91% रखी हुई है, इसलिए इसको जो रिस्कोमीटर है हाई रिस्क कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जो ज़्यादातर इक्विटी में अपना पैसा लगाते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि डेब्ट में उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना आप अपने पैसे पे चाहते हैं।
ठीक है दोस्तों, इक्विटी होल्डिंग 82%, फॉरेन इक्विटी में भी इसका 8.95% है, सो टोटल इक्विटी होल्डिंग है इसकी 91.5%। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक देखिए दोस्तों 24 ओनली, ठीक है। अभी इनमें से लार्ज कैप में 27% है, मिड कैप में 29% है एंड स्मॉल कैप में 22% है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट में बताएं, हम इसके ऊपर नई वीडियो लाएंगे और विद लिस्ट आपको देंगे कि कौन कौन से शेयर अभी फिलहाल निफ्टी में लार्ज कैप में है, कौन कौन से शेयर मिड कैप में है और कौन कौन से शेयर स्मॉल कैप में। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूंगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए पूरे स्टॉक की लिस्ट आपके सामने आ गई है। सिप्ला, सिप्ला का शेयर 755 रुपए का अभी चल रहा है। इसमें बता दिया गया है कि इन्होंने सिप्ला में 879 मिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है, 9% ऑफ टोटल होल्डिंग जो आपने इसमें देखा अभी, इसने 24 स्टॉक होल्ड किए हुए हैं उसमें से 9% मात्र सिप्ला पे है। अभी दोस्तों आप चाहें तो ये स्टॉक आप पर्सनली भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें फंड मैनेजर बैठते हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू सर्च करते हैं शेयर्स की, उनको कब खरीदना है, कब प्रॉफिट बुक कर लेना है यानी सेल कर देना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं। अगर आप इतनी हेडक नहीं ले सकते हैं तो इसी तरह के कुछ म्यूचुअल फंड हम आपको बताते रहेंगे आने वाली सीरीज में, आप बिंदास होकर उनमें पैसा लगा के घर बैठ सकते हैं अगर इतना ही इन्वेस्टमेंट पे आप रिटर्न चाहते हैं, बजाय FD के, बजाय RD के, तो आपको इजीली उतना रिटर्न मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अभी दूसरा शेयर देखिए, इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड 8.94% इसमें होल्ड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी डॉक्टर रेडी लैब इसमें 8.45% होल्ड किया हुआ है। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको जो कह रहा था ना कि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने हिसाब से होल्डिंग बढ़ाते हैं, कम करते हैं। देखिए अभी वन ईयर लोवेस्ट होल्डिंग लास्ट नवंबर 19 से इसमें 0% था, कुछ भी होल्ड नहीं था। फिर देखिए आपने देखा मार्च 2020 में एकदम से मार्केट क्रैश हुआ, सिप्ला सस्ते भाव पर मिला, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने उसकी स्टडी की, फंडामेंटल्स चेक किए और उसने अपनी होल्डिंग डायरेक्ट 10% बढ़ा दी। ये देखिए 9.58% सेप्टेम्बर 2020 की होल्डिंग है, ये क्वांटिटी उसके पास 11,80,000 शेयर हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे पास समय नहीं होता, हम देख नहीं सकते हैं, तो अच्छा है ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को ढूंढें और उनको अपना पैसा दें ताकि हम इस तरह से रिटर्न देख सकें। अभी देखिए इप्का लैब में 7.85% था अभी सेप्टेम्बर में और नवंबर 19 में उन्होंने 11.48 कर दिया, तो देखिए उसमें 8% होल्डिंग है, ये शेयर उन्होंने लगभग 4% अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ा दी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही रेडी लैब में 7% से सीधा 10% कर दिया, 3% होल्डिंग बढ़ा दी। ये कब करते हैं वो सब उनको डिसाइड करना होता है, इसलिए आप उन्हीं पे छोड़ दें। और भी अगर आप डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए फॉरेन इक्विटी में इंट्यूसिव सर्जिकल इसमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, 3.52% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो उनका उसमें मैनेज है। देखिए इसमें भी पहले 0% था, अभी इन्होंने एकदम से 3% इसमें शेयर बाय कर लिए, यानी उनको सस्ते लगे तो उन्होंने बाय कर दिए। आपको तो रिटर्न से मतलब है, आप रिटर्न देख सकते हैं, 74% रिटर्न, 74% रिटर्न। किसी भी पैसे को डबल करना है ना दोस्तों तो आप 72 में उसका भाग दे दें परसेंटेज का, तो पैसा डबल आपको पता चल जाएगा कितने सालों में हुआ। तो आप 72% भी इसको ग्रोथ माने तो वन ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाए हैं तो 1,02,00,000 हो जाएंगे। अगर मार्केट, अभी तो मार्केट वैल्यूएशन फंडामेंटल्स वेरी हाई हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे को कैश में ही रखते हैं इन या डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इन स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब भी उनको सस्ता लगता है तब वो माल खरीदते हैं। रिस्कोमीटर तो है, आप अपने हिसाब से थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखें, बाकी डेप्ट में करके रखें। ये सब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, जिसको सीखने में बहुत देर लगती है, बहुत समय और अनुभव चाहिए होता है। इसलिए आप खाली ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, हम अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको बताते रहेंगे, आपका रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न भी बहुत हाई रहेंगे, हाई फाई रहेंगे। ये म्यूचुअल फंड आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारा एक छोटा चैनल है, हमने किसी का पेड प्रमोशन नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैं आपको आगे बताता रहूँगा, तो हमको कोई पेड प्रमोशन करने वाला अभी है नहीं। तो प्लीज़ आप अपनी भी स्टडी करें, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। आप चेक कर सकते हैं moneycontrol.com की साइट पर जाकर, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं DSP हेल्थ केयर फंड, ये थीमेटिक फंड है, हेल्थ केयर में अपना पैसा लगाता है, उसका आपका पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। इसी तरह के म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स की सीरीज के बाद अच्छे अच्छे शेयर जो बहुत सस्ते भाव पे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, 282 शेयर्स की मेरे पास ये लिस्ट है,
जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी हम करेंगे। ये शेयर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा आगे आने वाले समय पे, इस पे मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है दोस्तों ये। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और कैसी वीडियो आप हमारे चैनल से चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।